बहुत सारे माता पिता हमेशा ये चीज पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अपने बच्चे को हम क्या खिलाएं, स्पेशली जो माता पिता होते हैं ग्रोइंग एज ग्रुप के, जिनके बच्चे बढ़ती उम्र में होते हैं। बढ़ती उम्र यानी कि या तो वो 5-6 साल के होते हैं या फिर प्री एडोलेसेंट 14-15 साल के। इन दो एज ग्रुप के बच्चे बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं। तो सामान्यतः यह क्वेश्चन होता है उनका, डॉक्टर साहब क्या खिलाएं, बच्चा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, क्या उन बच्चे को खाने में प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं। तो उसमें मैं यह बताना चाहूंगा कि इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और जो वर्ल्ड के दूसरी पीडियाट्रिक्स की एसोसिएशंस हैं, उन्होंने यह स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन किया है कि बच्चों को, स्पेशली जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, उनको आप कंप्लीट फूड दीजिए। कंप्लीट फूड या बैलेंस डाइट का मतलब होता है आपके खाने में उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और फाइबर का एक अच्छा मिश्रण होना चाहिए। अब हम यह देखें कि एक जैसे बच्चे की थाली है, तो उस थाली में आपका प्रोटीन भी होना चाहिए, आपका कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, आपका फैट भी होना चाहिए और आपका विटामिन्स एंड मिनरल और फाइबर भी होना चाहिए। अब यह चार जो मुख्य पार्ट हैं खाने का, यदि इसमें किसी तरीके का डिसबैलेंस हो जाएगा, होता है, तब वह प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अगर आप बच्चे को सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन खिला रहे हैं, या बच्चे को सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं, बच्चे को बहुत ज्यादा आलू चावल मिठाई खिला रहे हैं, बच्चे को बहुत ज्यादा फैट दे रहे हैं, मतलब तली भुंजी चीजें रोज पूड़ियां खिला रहे हैं, पकौड़ी दे रहे हैं, समोसे दे रहे हैं, या फिर जो ऐसी भी कंडीशन मैंने देखी है कि जो बहुत ही ओवर कॉन्शियस पेरेंट्स होते हैं, बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस पेरेंट्स होते हैं, तो एक्सेस में विटामिन्स, मिनरल और फाइबर देते हैं, यानी बच्चे को पूरे दिन फल ही खिलाते हैं, बच्चे को बहुत ज्यादा विटामिन खिलाते हैं, तो यह भी कहीं ना कहीं बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो जो बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट यह है कि आपको आपकी थाली में नंबर 1 ये चारों कंपोनेंट होने चाहिए आपके बच्चे की थाली में, और यह चारों कंपोनेंट अपनी उचित मात्रा में होने चाहिए, यानी ना ज्यादा ना कम। तो बढ़ते बच्चों में सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो होता है प्रोटीन का, मिनरल और विटामिन्स का। तो आप यह इंश्योर करो कि बच्चे की जो 3 मेजर मील होती हैं, यानी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उसमें प्रोटीन सोर्स का एक खाना जरूर होना चाहिए। जैसे दाल हो गया, राजमा हो गया, छोले हो गए, सोयाबीन हो गया। यदि आप नॉन वेज का सेवन करते हैं तो अंडे हो गए, मीट हो गया, मछली हो गया, तो यह सब में से कोई एक चीज जरूर होनी चाहिए। दूसरा, मिनरल्स, विटामिन्स एंड फाइबर्स। मिनरल विटामिन्स जैसे कैल्शियम हो गए, दूसरे विटामिन हो गए, इन्फेक्शन से जिंक वाला हो गया, तो ये आपको हरी सब्जियां, फल, इन सब में उचित मात्रा पे मिलेंगे। तो मेरी आपसे यही राय है कि बच्चे की थाली में यह चारों कंपोनेंट हो और यह चारों कंपोनेंट उचित मात्रा में हो। और तीसरा मैसेज, स्पेशली जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, उनमें प्रोटीन, मिनरल और विटामिन्स अच्छी मात्रा में होने चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों, दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें। हम रखें आपका ख्याल।